Bro, what you were talking about? I was talking about that she is my princess. She is your princess. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज सुमन भी आया था मॉर्निंग वर्कआउट के लिए एंड आज अंकित नहीं आया है गाइज। एंड अभी देखो हम लोग कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं, बर्गमैन, क्योंकि दोस्त की है गाड़ी तो उसने सुमन के पास रखने के लिए दिया है। उसका लोन बाकी है ना, लोन वाली गाड़ी उठाने आया है। Bro, what you were talking about? I was talking about that she is my princess. She is your princess. And what about your girlfriend? Cut. तो भाई सुमन तो गया उसका सामान लेने के लिए घर का, एंड हम लोग भी आ चुके हैं घर पे। अब चलते हैं ऊपर। गाइस, अभी घर पे आके मैं पी रहा हूँ पॉमीग्रेनेट का जूस, अनार का जूस। दोस्तों, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और वर्कआउट के बाद तो और ही सही है। एंड फिर चले जाऊंगा नहाने दोस्तों, क्योंकि नहाने के बाद ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सब काम हो चुके हैं, बस थोड़ा सा सुबह सुबह ठंड में कंटाला आता है नहाने में, बट नहा लेंगे। अभी तो वैसे गर्मी हो रही है बॉडी में क्योंकि वर्कआउट करके आए, तो फटाफट पी के। तो गाइस, स्किन केयर के लिए ग्रैमेडी जो मम्मी ने बनाया यूट्यूब पे देख के, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी आता है इससे। ये हेल्प करता है स्किन ग्लोइंग करने में, और इसमें क्या क्या है दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट जो होता है उसके छिलके है, और ऑरेंज और संतरा, गुलाब जल है, रोज़ वाटर ये भी है। तो इसे करना कुछ नहीं है, सिंपली अपने को जितना अप्लाई करना है स्किन पे उतना हाथ में निकाल लो। देखो, ये मैंने निकाल लिया, उसकी स्मेल भी बहुत मस्त आ रही है गाइस। ये हाथ में निकालने के बाद आपको मिक्स करना है इसमें एलोवेरा जेल। और कुछ नहीं करना है गाइस, इसे मिक्स करके बस फेस पे अप्लाई कर देना है और एक घंटे के लिए छोड़ देना है। एक घंटे के बाद फेस वॉश से मुंह धो लेना है, और आप लोग खुद देखोगे कि चेंजेस क्या आते हैं स्किन पे। मैंने ये थर्ड टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, दो बार पहले भी लगाया था और बहुत अच्छा चेंज दिख रहा था स्किन में। तो दोस्तों, अभी बताता हूँ मैं आपको। और एकदम ऑर्गेनिक है, इसमें ना कुछ केमिकल ना कुछ रहता है, क्योंकि घर पे हम बनाते खुद से तो हमारे सामने बनता है ये चीज़। वरना इसके अलावा मैं और क्या क्या करता हूँ गाइस, या तो फिर सिर्फ एलोवेरा रात में लगा के सो जाता हूँ, या फिर मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करता हूँ कभी, तो ये सब नेचुरल चीज़ें ही लगाता हूँ। कुछ भी केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह अप्लाई नहीं करता हूँ कभी फेस पे, क्या पता कि इसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाए गाइस। कंप्लीट अप्लाई होने के बाद उसे ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेना है ऐसे, ताकि स्किन में थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। गाइस, फाइनली हो चुका है, अभी हैंड वॉश कर लेता हूँ मैं एंड आपको मिलता हूँ वॉश करने के बाद। तो गाइस, फाइनली मेरा फेस वॉश हो चुका है एंड मेरी स्किन देख सकते हो आप लोग, एकदम स्मूथ हो गई है और ब्राइटर हो गई है। पहले आपने देखा था कैसा डल स्किन लग रहा था, बट अभी चेंजेस देख सकते हो। एंड मैं बताता हूँ आपको ये रेमेडी बनाने का तरीका, इजीली फटाफट बता देता हूँ क्या होता है। कि अपने जो पील्स रहते हैं ऑरेंज और संतरे के, जो भी है दोनों अलग अलग होते हैं, मुझे अभी बहुत कन्फ्यूज़न होता है संतरा और मौसम्बी में, तो दोनों की छिलके जो होते हैं वो और ड्रैगन फ्रूट का छिलका जो होता है उसे बाहर धूप में सूखा के रख देना है एक हफ्ते के लिए, मतलब तब तक जब तक वो एकदम कड़क ना हो जाए, इतना सूखा देना उसे। फिर मिक्सर में उसको पीस के उसका पूरा पाउडर कर देना है, फिर उसमें मिक्स करना है विटामिन ई का कैप्सूल और रोज़ वाटर और एलोवेरा, जैसे हम जब अप्लाई करेंगे तभी मिक्स करना है एलोवेरा जेल। तो दोस्तों, उससे रिजल्ट्स एकदम मस्त आते हैं। तो रिजल्ट्स दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उसका कैसा है, इस रेमेडी का बहुत मस्त है और एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस है दोस्तों, तो बहुत सही है। एंड गाइस, ये निकल रहा है घी, जो कि दूध की मलाई से जो प्रोसेस होता है मम्मी लोग करती है, अपने को तो पता नहीं, बट वो घी निकल रहा है। गाइस, गांव जाने की तैयारियां तो शुरू हो चुकी है एंड अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपना शूज जो है, जो दो नए लिए मैंने और एक पुराना वाला था जिसका सोल मतलब निकल गया था गम पूरा, तो उसको और नए वाले शूज को मैं एक्स्ट्रा सिलाई हमेशा करवा लेता हूँ बाहर से, ताकि वो ज़्यादा और मजबूत हो जाता है और ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो तीन शूज का ये सिलाई करवा लेते हैं। एंड कल मैंने जीन्स दिया था फिटिंग करवाने के लिए, मीन्स कटिंग करवाने के लिए नीचे से, और एक जीन्स का थोड़ा टाइट हो रहा था, तो उसने बोला था कि कमर से वो लूज कर देगा,
तो 32 का जींस आ गया था, उसको 34 कर देगा वो, तो अभी जाके देख लेते, वो भी हुआ रहेगा तो लेके आते, चलते हैं फटाफट। ये देखो गाइस, शूज ले लिए मैंने तीनों, एक ब्लैक वाले नीचे और ये दो नए लेके आया हूँ मैं, तो चलते हैं फटाफट। गाइस शूज का जो एक्स्ट्रा सिलाई करवाना था वो हो गया है, एंड जीन्स तो कल मिलेंगे बोल रहे हैं वो अंकल जो कटिंग करवाने के लिए दिए थे, तो आज का यही काम था पूरा हो गया है, और अभी घर पे रख के मैं आ गया हूँ नीचे। तो आज का व्लॉग दोस्तों यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि मुझे अभी वीडियो एडिट करना है एंड फिर सो के मॉर्निंग में उठना भी है वर्कआउट करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय।